बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आपको गाइड करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौमी बचत के सर्टिफिकेट्स के हवाले से है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन ईयर, बेनिफिट अकाउंट और इसके अलावा जो शोधा वेलफेयर अकाउंट है इसके प्रॉफिट रेट के हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप रहे हर न्यू अपडेट से बाखबर। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाजमी आखिर तक देखा कर ताकि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रॉफिट रेट के बारे में बहुत सी सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि इतना प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है, बास का 2%, बार 0.8%। लेकिन सच बात यह है कि 9 मई 2023 के बाद दो मरतबा प्रॉफिट रेट रिवाइज़ कर दिए गए और दोनों ही मरतबा तमाम सेविंग अकाउंट और स्पेशल सेविंग अकाउंट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो सर्व इस्लामिक सर्टिफिकेट है इनमें इनके प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया गया। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशन ईयर बेनिफिट अकाउंट और इसके अलावा जो शोधा वेलफेयर अकाउंट है इसमें अब तक किसी भी किस्म का जो प्रॉफिट रेट है वो 9 मई के बाद सेम ही रखा हुआ है, 19% से अबाव नहीं किया है। लेकिन अब जो इसकी उम्मीद सामने आई है वो तकरीबन अगस्त के पहले हफ्ते में तकरीबन जो इसका प्रॉफिट रेट में इजाफे होने की बात है वो तकरीबन 3% तक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और इसके अलावा पेंशन ईयर बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में 3% तक इजाफा होने जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।